good evening everybody and welcome to creatrix youtube channel my dear friends i'm back with another episode of learn engineering to tell you how does a digital weighing machine works so this is the lecture 23 or you can call episode 23 and as we move on in this series we are gradually learning how the devices around us work how is engineering a part of all the devices that we study about सो लेट्स लेट्स स्टार्ट द एपिसोड नंबर गेट ऑन दिस फील्ड जर्नी बट बिफोर वी स्टार्ट लेट मी इंट्रोड्यूस आई एम योर होस्ट एंड दोस्त अंकित गोयल जिसका गेट में दो बार ए आई आर वन रहा है ट्वेंटी फोर्टीन और ट्वेंटी एटीन के अंदर इसके अलावा मुझे प्रेजिडेंट की तरफ से गोल्ड मेडल दिया गया इन द ईयर ट्वेंटी थर्टीन जब मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ आई आई टी से अदर देन दैट बेटा आज तक मैं दो लाख से भी ज्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ फॉर गेट एंड ई एस सी और करेंटली मैं अन अकेडमी में एज अ डायरेक्टर वर्क कर रहा हूं फॉर गेट डिपार्टमेंट अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं लेकिन बच्चों मैं क्या कहता हूं थिंग टू बी प्राउड अबाउट इज दैट द काइंड ऑफ रेवल्यूशन दिस चैनल हैजरेटेड अगर आप ये देखो ये चैनल पे सभी टीचर कितना ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ इनिशिएटिव लाते हैं और ये मेक श्योर sure करते हैं हमारे बच्चे हर रेस में रहें सबसे आगे जीते हमेशा और किसी से भी पीछे ना रह जाएं। इसके लिए जितने हो सके उतने ज्यादा इनिशिएटिव आपके लिए लाए जाते हैं और आपको करना क्या है बस आपको हमारे साथ YouTube के माध्यम से और साथ साथ ऐप के माध्यम से जुड़े रहना है और सभी इनिशियव को एंजॉय करना है ऐप सबके फोन में होना चाहिए बेटा और उसके बाद कोई भी फ्री इनिशिएटिव को आप अनलॉक कर सकते हो सिंपली यूजिंग द कोड अंकित चलिए तो चलते हैं आज की जर्नी पे डिजिटल वेइंग मशीन तो बहुत सारे लोगों ने अपना वजन तोला होगा नहीं तो दुकानों के अंदर देखा होगा आज की डेट में एक ट्रेडिशनल तराजू एक ट्रेडिशनल वेइंग मशीन का नहीं यूज करते स्प्रिंग बैलेंस का यूज नहीं करते बल्कि यूज करते हैं डिजिटल वेइंग मशीन विच इज मोर एक्यूरेट देन योर एनालॉग पार्ट ठीक है अब प्रिंसिपल क्या होता है प्रिंसिपल में बेटा इट इज बेस्ड ऑन अ स्ट्रेन गेज स्ट्रेन गेज क्या करता है सर स्ट्रेन गेज के अंदर एज यू पुट प्रेशर ठीक है एज प्रेशर और फोर्स इज अप्लाइड एज प्रेशर और फोर्स इज अप्लाइड क्या होता है डिफॉर्मेशन आ जाती है बेटा डिफॉर्मेशन आ जाने का मतलब क्या होता है कि इसका डायमेंशन बदलेगा तो स्ट्रेन कम्स स्ट्रेन आ जाता है स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन डायमेंशन और डायमेंशन जब चेंज होगा तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा डायमेंशन चेंजेस जिससे हम कह देते हैं रेजिस्टेंस चेंजेस तो यहां पे हम डिफाइन करते हैं बच्चों एक गेज फैक्टर क्या डिफाइन करते हैं हम गेज फैक्टर गेज फैक्टर को लिखा जाता है जी एफ विच इज डेल्टा आर बाय आर ओवर डेल्टा एल बाय यानी कि नीचे आता है स्ट्रेन तो रेजिस्टेंस का चेंज स्ट्रेन आ जाने पे दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेन गेज और इसे कहा जाता है पीजो रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर क्योंकि प्रेशर या पीजो का मतलब होता है प्रेशर प्रेशर की मदद से इसका रेजिस्टेंस चेंज होता है रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर तो यहां पे टाइप स्ट्रेन गेज आपको दिखाया गया है जिसके अंदर आप इसे इलांगेट कर सकते हो या आप इसे कंप्रेस कर सकते हो बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स आइदर यू कैन स्ट्रेच इट और यू कैन कंप्रेस इट इन बोथ द केसेस द डायमेंशन इज गोइंग टू चेंज विच विल कॉज चेंज इन द रेजिस्टेंस अब यहां पे लोड सेल क्या होता है लोड सेल के अंदर बेटा आप क्या करते हो स्ट्रेन गेज को ना एक व्हीट स्टोन ब्रिज के अंदर लगा देते हो अगर यहां पे आप एक स्ट्रेन गेज को व्हीट स्टोन ब्रिज के अंदर लगा दोगे दैट इज कॉल्ड एज अ लोड सेल अब यहां पे आप देखो ये चार जो स्ट्रेन गेजेज है दीज आर ऑल अ पार्ट ऑफ अ ब्रिज ये चार स्ट्रेन गेजेज है जो कि फोर्टी डिग्री की ओरिएंटेशन पे होते हैं ठीक है दीज आर ऑल एट डिग्री टू अदर और इन चारों को एक वीट स्टोन ब्रिज का पार्ट बनाया गया और इनको कनेक्ट ऐसे किया जाता है बेटा कि अगर एक स्ट्रेच हो रहा है तो एक कंप्रेस हो रहा है एक स्ट्रेच हो रहा है तो एक कंप्रेस हो रहा है इस टाइप से इन्हें कनेक्ट किया जाता है और यहां पे क्या होता है जैसे ही इन पे वजन पड़ता है तो इनका रेजिस्टेंस बदलता है रेजिस्टेंस बदल जाने से व्हीट स्टोन ब्रिज हो जाता है अनबैलेंस एंड दैट विल गिव यू अ वोल्टेज एज द आउटपुट तो यहां पर आपने क्या किया बेटा पहले प्रेशर की मदद से रेजिस्टेंस को चेंज किया लेकिन दैट इज नॉट अ इलेक्ट्रिकल आउटपुट आपको उसे इलेक्ट्रिकल आउटपुट बनाने के लिए एक बैटरी लगानी पड़ी और इस बैटरी ने क्या किया ये चेंज को कन्वर्ट कर दिया एक वोल्टेज में अब जब हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक वोल्टेज सिग्नल जनरेट हो गया बेस्ड ऑन द प्रेशर और द वेट बींग अप्लाइड उस वोल्टेज की मदद से आई कैन डिस्प्ले द रीडिंग ऑफ द वेट तो यहां पे मुझे क्या करना पड़ता है बेटा वर्किंग के अंदर यहां पे लोड सेल है जिसके अंदर एक वेटस्टोन स्टोन ब्रिज है यह आउटपुट देगा आउटपुट लेकिन आएगा कॉन्टिन्यूस या फिर एनालॉग एनालॉग आउटपुट बहुत कम आने की वजह से उसे एम्पलीफायर करना एम्पलीफाई करना पड़ता है एम्पलीफायर की मदद से एम्पलीफाई करने के बाद उसे डिजिटल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है अब बेटा यह है रॉ डेटा लेकिन मुझे क्या चाहिए मुझे अपना वेट चाहिए मुझे एग्जैक्ट रीडिंग चाहिए तो इसको प्रोसेस करने के लिए रॉ डेटा को प्रोसेस करने के लिए लगता है एक माइक्रो कंट्रोलर जो कि एलसीडी डिस्प्ले पे दिखा देता है आपके वजन का रीडिंग तो यहां इस तरीके से काम होता है सबसे पहले जो सबसे मेजर पार्ट है दैट इज अ स्ट्रेन गेज जो कि लोड सेल का हिस्सा बनता है बाय मींस ऑफ अट स्टोन ब्रिज एंड दैट गिव्स वोल्टेज आउटपुट जो कि एडीसी कन्वर्ट कर देता है डिजिटल में एंड माइक्रो कंट्रोलर विल डिस्प्ले इट ओवर अ एलसीडी डिस्प्ले ठीक है तो इन साइड द वेइंग स्केल अगर आप देखोगे बेटा तो यहां पे देखो ये लोड सेल सेंसर लगे हुए हैं दोनों तरफ यहां पे भी और यहां पे भी ये लोड सेल सेंसर लगे हुए हैं और देखो यहां पे भी अगर आप देखोगे यहां पे भी है तो जब आप बेटा पैर रखते हो ना इसके ऊपर दोनों पैर आप रखते हो तो ये लोड सेल्स जो हैं आपकी वोल्टेज जनरेट करते हैं और ये वोल्टेज बीच में लगे माइक्रो कंट्रोलर की मदद से यहाँ पे जो भी सर्किट है उसकी मदद से ये डिजिटल डिस्प्ले पे जाती है तो यहां माइक्रो कंट्रोलर का यूज किया गया है और आपके लोड सेल्स का यूज किया गया है दैट इज हाउ दिस वेइंग स्केल एक्चुअली वर्कस तो ये आपके चार प्रेशर पॉइंट को सेंस करता है एक को नहीं यहाँ पे आप देख सकते हो चार लोड सेल आपने लगा रखे हैं सो आई होप कि दिस क्लियर्स द कंफ्यूजन कि आपका वेट कैसे मेजर होता है और अब आप कभी अगर वेइंग मशीन पे खड़े हो गए तो यू विल हैव अ स्माइल ऑन योर फेस बिकॉज नाउ यू एक्सैक्टली नो हाउ इज इट वर्किंग ऑन द इन तो अगर बेटा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और जो बच्चे मुझसे मशीन पढ़ना चाहते हैं कल से मेरा मशीन का कोर्स स्टार्ट हो रहा है प्लस पे लाइव जिसके अंदर हम 170 सेवेंटी आवर्स का कंटेंट देंगे आपको हजार से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाले हैं हर संडे टेस्ट होगा इन द फॉर्म ऑफ अ वीकली क्विज और सारे के सारे आपके डाउट भी आंसर किए जाएंगे अदर देन दैट बेटा आप बच्चों की हाई डिमांड की वजह से हमने प्राइस हाइक को रोक दिया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लो यूज कोड अंकित एस ज्वाइन अन और बेटा इसके अलावा आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं यहां पे आपको डेली क्वेश्चन आंसर लेक्चर नोट्स और सभी नोटिफिकेशन आते हैं चाहे कोई भी नया इनिशिएटिव हो सो यू शुड बी ऑन दिस टेलीग्राम चैनल टू स्टे अपडेटेड सो थैंक यू एवरीवन आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो अच्छा लगा तो बेटा लाइक और शेयर जरूर करें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और वो बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आते रहें टिल देन इंजीनियर्स कीप रॉकिंग लेट्स क्रैक इट